24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे मौसम की। जी हां, एमपी में 48 घंटे में मॉनसून अपनी दस्तक देगा। कल कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर भी देखा गया था। राजधानी भोपाल की बात करें तो 7 घंटे तक बारिश का दौर देखा गया और आज भी तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। एमपी के 16 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए नजर आए हैं। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी भी सामने आई है। प्रदेश के किसान खरीफ की बुआई के अनुकूल हुआ मौसम। तो एमपी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदिशा, रायसेन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और साथ ही भोपाल की बात करें तो सुबह से ही काले घने बादल छाए हुए हैं। विदिशा, रायसेन, बैतूल, हरदानुपुर, डिंडोरी में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी के 16 ऐसे जिले हैं जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो करीब 48 घंटे के अंदर मॉनसून जो है एमपी में दस्तक दे सकता है, लेकिन कल भी झमाझम बारिश का दौर एमपी के कई जिलों में देखा गया। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई, जलभराव की स्थिति कई इलाकों में देखी गई है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी भी हुई है। लेकिन ये बारिश जो है किसानों के लिए राहत की बरसात कही जा रही है, क्योंकि खरीफ की बुआई के अनुकूल मौसम जो है अब हो चुका है। तो भोपाल में भी अगर बात करें तो काले घने बादल छाए हुए हैं और एमपी के ऐसे 16 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो 48 घंटे में मॉनसून की दस्तक जो है एमपी में देखी जा सकती है और कल भी कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखा गया था और आज भी तेज बारिश के आसार जो है मौसम विभाग ने जता दिए हैं। करीब ऐसे 16 जिले हैं जहां पर आज भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही प्रदेश के किसानों की बात करें तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब जल्द ही मॉनसून जो है एमपी में दस्तक दे सकता है, लेकिन साथ ही बिपरजॉय का कहीं ना कहीं असर एमपी में देखा जा रहा है, जिसके चलते तेज बारिश का दौर देखा गया है। आंधी और तूफान के साथ बारिश देखी गई, लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां कल भी झमाझम बारिश हुई थी, तेज बारिश हुई। ये देखिए तस्वीरें भी सामने कल की दिखा रहे हैं जहां पर तेज बारिश का दौर देखा गया। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। घरों की बात करें या फिर सड़कों की, दोनों ही जलमग्न नजर आई। जबलपुर से मेरे सहयोगी कुमारेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से हेमंत और भोपाल से शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, 48 घंटे के अंदर मॉनसून जो है दस्तक दे सकता है, इस समय कैसा मौसम है राजधानी का? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो बड़ा ही खुशनुमा मौसम है राजधानी भोपाल का। प्री मानसून की दस्तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश भी देखने को मिली है और इस वक्त की बात की जाए राजधानी भोपाल की तो अभी भी यहां पर बारिश देखने को मिल रही है। और इस वक्त आप ये बड़े तालाब की खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ से एक कह सकते हैं कि अद्भुत नज़ारा हमेशा यहाँ पर देखने को मिलता है जब जब बारिश होती है राजधानी भोपाल में। और हवाएं भी चल रही हैं और बोट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। अभी की बात की जाए तो अभी तो लोग नहीं पहुँच रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा उसके बाद यहाँ की खूबसूरत तस्वीर का लुत्फ उठाने के लिए, यहाँ के माहौल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या मानसून कब तक दस्तक देगा, तो अगले 48 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक देगा और मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में, खासकर हम ग्वालियर संभाग की बात करें या फिर भोपाल संभाग की बात करें या सिवनी या आसपास के जिलों की बात की जाए, तो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और मौसम विभाग का मानना है कि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश हो सकती है। सिवनी के लखनादौन में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो रायसेन के बेगमगंज में बारिश सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है अलीशा। और इसके साथ साथ बता दें 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन उस दिन भी मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है, खासकर भोपाल संभाग और जबलपुर संभाग में। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है, जिस तरीके से मौसम एक्टिव हुआ है, क्योंकि फसल बुआई के लिए इसी तरीके का मौसम होना चाहिए और वैसा ही मौसम इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश का होता हुआ नजर आ रहा है अलीशा।
और अगले 48 घंटे की बात की जाए तो मौसम विभाग का यह कहना है यूपी और इसके साथ साथ बंगाल में एक सिस्टम बन रहा, उसी के कारण मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। आने वाले 5 दिन तक मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने के बिल्कुल भी आसार नहीं, तापमान गिरते हुए नजर आएंगे, यानी गर्मी से पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है। इसके अलावा अलीशा बात की जाए तो बीपर जॉय जो तूफान का असर देखने को मिल रहा था खासकर गुजरात और राजस्थान में और मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में संभावना जताई गई थी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है बीपर जॉय का जो खतरा था वो पूरी तरीके से टल चुका है। चक्रवाती तूफान का असर मध्य प्रदेश से खत्म हो चुका है और जो अभी बारिश हो रही है ये प्री मानसून की दस्तक है। बिल्कुल, प्री मानसून की दस्तक जो है अब एमपी में देखी जा रही है। भोपाल की बात करें तो मौसम बेहद ही खुशनुमा देखा जा रहा है, जैसे कि मेरे सहयोगी शब्बीर ने दिखाया। शब्बीर हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी जबलपुर से कुमारिंदर भी हमारे साथ जुड़ गए। कुमारिंदर, एमपी में लगातार बारिश का दौर कई जिलों में देखा जा रहा है इस समय, जबलपुर की बात करें तो कैसा मौसम है, जरा तस्वीर दिखाइए। जबलपुर की भी बात करें तो जबलपुर में जो है वो मौसम जो है बादल जरूर घिरे हुए हैं, लेकिन बारिश जो है अभी तक बारिश में इंतजार है। हालांकि कल जबलपुर में जरूर थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल दाग के बराबर हुई थी। आज जबलपुर की भी बात करें तो 30 डिग्री टेम्परेचर अभी भी जबलपुर में बना हुआ है। कह सकते हैं कि जबलपुर में गर्मी का एहसास अभी भी बकायदा है, हालांकि बादलों ने घेर के रखा हुआ है। कब तक बादल बरसेंगे इस बात का अंदाजा अभी मौसम विभाग सटीक नहीं बता पा रहा है, लेकिन कल से बदली छाई हुई, कल थोड़ा बहुत पानी गिरा था, लेकिन कल जो थोड़ा सा पानी गिरा था उसके चलते शहर में आज बिल्कुल उमस है। ये कह सकते हैं कि गर्मी जो टेम्परेचर सर्वेस चल रहा था उससे हालांकि थोड़ी बहुत राहत मिली है। किसानों को भी इंतजार है, किसान कह रहे हैं कि उनकी बुआई का समय आ चुका है, लिहाजा भी ऐसे में पानी गिरता है तो उनके लिए बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन होगी। वही लोग कह रहे हैं कि अभी भी जो है बारिश मानसून की भी पहले ही लेट हो चुका है। लिहाजा जबलपुर की बात करें, उसके आसपास मंडला जबलपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर मंडला में भी कल बहुत नॉमिनल बारिश हुई थी। तो कह सकते हैं कि अभी आसपास जबलपुर संभाग का जो एरिया है वो अभी भी बारिश का इंतजार कर रहा है। तपिश यहाँ पर अभी बरकरार है, 30 डिग्री 31 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर लगातार बना हुआ है, तो इंतजार है बारिश का। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अब देखना ये होगा कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बारिश कब होती, सबको इंतजार है। बादल आप देख सकते हैं कि बादल पूरी तरह से जो देखिए आप गिरे हुए हैं, मैं आप कोशिश करता हूं कि देखिए किस तरह से बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं, पूरा काला काला एरिया है, पूरे आसमान पर घोर बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश जो है वो अभी तक नहीं हो पा रही, इंतजार है कब होगा। लोग भी अब जो है वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, कह सकते हैं किसानों के साथ आम सब लोगों को जो है बारिश का इंतजार है। जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था कह सकते हैं 16 जिलों में, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में उस हिसाब से पानी नहीं हुआ, आसपास के जिलों में भी जबलपुर के उस हिसाब से पानी नहीं गिरा है, इंतजार है सबको बारिश का। गर्मी से जो राहत की बात हो रही थी थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन अभी भी जो है उमस है, हवा जो है अभी भी गर्म चल रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मेरे सहयोगी हेमंत हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। हेमंत, देखिए भोपाल में मौसम खुशनुमा है, जबलपुर में कहीं ना कहीं लोगों को बारिश का इंतजार है, क्या इंदौर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बारिश होने की संभावना कब तक जताई जा रही है? देखिए जिस तरीके से भोपाल में मौसम खुशनुमा बना हुआ है और बारिश का इंतजार जबलपुर में है, लेकिन इंदौर में इंतजार जो है बारिश का खत्म हो गया है और यहाँ का मौसम जो आपको दिखाऊंगा वो भी खुशनुमा बना हुआ है। कल से ही रिमझिम बारिश जो है वो लगातार इंदौर के अंदर हो रही है, कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है। और अगर तापमान की बात की जाए तो कल का जो अधिकतम तापमान रहा है वो 32 डिग्री सेल्सियस रहा है, उसके साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 20 डिग्री के आसपास रहा है। इसके बाद साथ ही अगर हवा की दिशा की बात की जाए तो साउथ वेस्ट की यहाँ पर हवा चली थी और भूमि का तापमान 28 डिग्री रहा है। देखिए कल दिन में बरसात शुरू हुई थी 24 तारीख को और अभी तक बारिश का जो रिमझिम का दौर है वो चालू है, उसमें अब तक मौसम विभाग ने 70 मिलीमीटर बरसात दर्ज की है और अभी भी जो बारिश है वो रिमझिम यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। दोपहर में यहाँ पर तेज़ बारिश की आशंका भी यहाँ पर जताई जा रही है कि आज दिन में तेज़ बारिश भी हो सकती है, मौसम विभाग ने इसका अलर्ट भी जारी किया। अगर इंदौर के अंदर तेज़ बारिश होती है तो इंदौर के हालात 2 दिन पहले भी बिगड़ते नजर आए थे, तेज़ बारिश के कारण इंदौर के कई क्षेत्रों में पानी भराया था, जल जमाव की स्थिति इंदौर के अंदर निर्मित हुई थी और स्मार्ट सिटी की पोल खुलती नजर आई थी। आज भी रिमझिम बारिश जो है वो रात भर हुई है, दिन में भी अभी का जो समय है अभी भी आप देख सकते हैं कि रिमझिम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है।
मौसम विभाग के अलर्ट के बाद किस प्रकार के नगर निगम यहाँ पर एक्शन लेता है ये देखना होगा। लेकिन पिछले कई समय से इंदौर नगर निगम ने एक अलर्ट भी जारी किया था, जो जल निकासी की व्यवस्था है उसको ठीक करने की बात कही गई थी, लेकिन जल निकासी की व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया गया, जिसके कारण दो दिन पहले इंदौर शहर के कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई थी। अब देखना होगा कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद किस प्रकार की स्थिति इंदौर में निर्मित होती है। जी बिल्कुल, भारी बारिश तो देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल भी खुल रही है। हमारे साथ बने रहिए हेमंत, मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, एमपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर, ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है? भोपाल, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग का कहना है कि इन संभागों में, खासकर पांच संभागों की बात की जाए, तो अगले 24 घंटे के अंदर इन इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। अभी तक बात की जाए इन तमाम जगहों पर रिमझिम थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिली थी, लेकिन अगले 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इन सब के बीच अलीशा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 27 जून के दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना है, उस दिन अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हम सब ने देखा था कि बालाघाट का दौरा अमित शाह का इसी के कारण रद्द कर दिया गया था, जब वो रायपुर से बालाघाट के लिए रवाना हुए थे कि वहाँ मौसम खराब था। और इन सब के बीच आपको बता दें कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है वो पूरी तरीके से अब वाटरप्रूफ डोम बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और अगले 48 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में मौसम विभाग का यह कहना है कि यह मानसून दस्तक दे देगा, यानी अभी कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। जैसे कुछ जगहों की बात करें, जैसे अभी हेमंत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इंदौर के आसपास के इलाकों में बारिश देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के अंदर, भोपाल में भी वही तस्वीर देखने को मिली है। लेकिन जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तो इन इलाकों में अभी भी बारिश का इंतजार है। लेकिन अगले 48 घंटे के अंदर मौसम विभाग की माने तो उनकी तरफ से संभावना जताई गई है, चेतावनी जारी की गई है कि इन इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है, बारिश दस्तक दे सकती है और मानसून भी दस्तक दे सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण है और जिसका लंबे समय से किसान इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनकी बुआई का समय आ चुका है। लेकिन तस्वीर में आपने दिखाया कि भोपाल का मौसम बेहद ही खुशनुमा है, लेकिन जबलपुर वासियों को कहीं ना कहीं बारिश का भी इंतजार है क्योंकि वहां पर लगातार उमस की स्थिति जो है बनी हुई है। लेकिन हेमंत शर्मा हमें जैसी तस्वीर दिखा रहे थे कि इंदौर में अभी रिमझिम बारिश होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारी बारिश के चलते नगर निगम की पोल भी खुल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, कुमार इंदर, हेमंत, हमें तमाम तस्वीर दिखाने के लिए।